बोकारो के सेक्टर वन में स्थित हंस मंडप में मंगलवार को अचानक आग लग गई। आग ने ऐसा भयंकर रूप ले लिया कि पूरे हंस मंडप को जलाकर पल भर में ही खाक कर दिया। मौके पर पहुंची 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत कर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आग नियंत्रण पाने के लिए अग्निशमन दस्ते के लोग लगे हुए हैं और धीरे धीरे आग की लपटों पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू में CISF, जिला पुलिस और अग्निशमन विभाग के सुरक्षा बलों को लगाया गया है। आपको बताते चले कि यह हंस मंडप जो शादियों और पार्टियों के लिए बुक होते हैं और बोकारो में इसकी एक अलग ही पहचान थी। हंस मंडप में स्कॉन का मंदिर भी है जो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सूचना आग लग गई है अग्रसेन भवन में, और जैसे सूचना मिली सेल से गाड़ी मंगाया गया, CISF की टीम पूरी आ गई, उनके बड़े पदाधिकारी आ गए हैं, पुलिस टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, सब मिल करके आग पर काबू पा रहे हैं। करीब करीब काबू पाया जा चुका है। कितना का क्षतिकरण हुआ अभी इसका तो जांच के बाद क्लियर होगा। सर कितने दमकल की गाड़ियां लगी हुई? अभी 4 दमकल की गाड़ियां लगी हुई है जी, CISF से मंगा सभी लोग, सर के भी लोग हैं, CISF के पुलिस सभी लोग। आग पर काबू पा लिया? करीब करीब अभी आग लगा है लेकिन काबू पा लिया गया है।